आपको आरक्षण मिला और परियों की तरफ तंग हो गए। नमस्कार, दैनिक लाइव न्यूज 24 से मैं संजय शर्मा, अभी मैं झाझा में मौजूद हूँ अम्बेडकर विचार मंच पर, जहाँ महिला समाज सेवी अनामिका देवी के द्वारा गरीब बच्चों के बीच में स्कूल सामग्री वितरण करी की गई। ये सोचने वाली बात, उन्होंने कहा कि समाज कैसे उत्थान हो, महिला कैसे उत्थान हो, बच्चे किस तरह पढ़े, ये आज का विषय है और ये विषय बना गांधी जयंती के ऊपर में। ऐसे ही अनेक सामाजिक कार्य करने वाली हमारी अनामिका देवी झाझा में काफी काम करने के लिए प्रेरित कर रही है लोगों को और खुद भी इस काम में सहयोग कर रही है। देखिए मेरी खास रिपोर्ट झाझा से। मैडम, अपने चैनल के जितने दर्शक हैं, मैं आपका उनसे परिचय कराना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नाम अनामिका शंकर। क्या करती हैं मैडम आप? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, जिसमें मैंने कई पदों पर अपना भागीदारी निभाया है। मैं स्कूल में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की मेंबर रही हूँ और पार्टी में बहुत मान सम्मान मिलता है। आज 2 अक्टूबर को आपके द्वारा कुछ विशेष कार्यक्रम रखा गया था, कुछ जानकारी देंगे इसके बारे में? जी, मैंने यहाँ पे दलित समाज बस्ती में इसलिए कार्यक्रम रखा था कि मेरे मन में इच्छा थी कि अपने समाज के लोगों के साथ मैं कुछ उनको बुक पेन और कुछ सामानों का वितरण करूं और अपने बच्चों से बातें करूं कि हाँ, क्या शिक्षा ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, उनको उसी शिक्षा मिल रहा है या नहीं। जागरूक भी किया हमने शिक्षा के प्रति, इसीलिए अपने समाज में जाती हूँ और ये सब अपना बात बच्चों से करती हूँ। उनके माता पिता से भी बातें करने चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को, बेटी हो या बेटा, दोनों को शिक्षित करे, सम्मान दे, दोनों को सम्मान दे, ताकि दोनों एक साथ खड़े हों तो उनको कहीं भी कमी महसूस अपने ऊपर ना हो और ऊँचे पदों पर जाएं। और ये हमारे महापुरुषों के सिद्धांतों के कारण ही हो रहा है, उनके सोच के कारण ही हो रहा है। महापुरुषों ने हमारे, चाहे हमारे महात्मा गांधी जी हो, अम्बेडकर जी हो, या गाटके जी हो, या हमारे प्रधानमंत्री जी हो, सब महापुरुष चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित हो, कोई भी समाज का हो, हमारे बच्चे शिक्षित हो। और बहुत आनंद का दिन है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मतिथि में हम लोग यहाँ एक होकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज हम लोग, मैं एक ही बात कहूँगा, आज ऐसा दिन है, आज हम लोग को संकल्प लेना होगा और शपथ लेना होगा कि किसी भी कीमत पर हम लोग देश को टूटने नहीं देंगे, देश को हमेशा रक्षा करेंगे, चाहे और भी बलिदान देना पड़े तो देंगे, लेकिन देश के अखंडता को, देश के ऐतिह्य को, देश को किसी भी हालत में हम लोग टूटने देंगे। स्वागत भी करेंगे हमारे नीतीश कुमार जी, इतनी प्रशंसा किया जाए कम है। कह रहे थे कि उनका काफी योगदान है, आज हमारे बड़े भाई देश के हैं, इनमें इनकी बहुत बड़ा योगदान है। मिथिलेश बाबू ब्रांच मैनेजर है, जो भाई टीटी हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है, इनको हम कतई भूल नहीं सकते हैं। यह व्यक्ति हम धरोहर है, धरोहर है, इसलिए हम लोगों ने इन्हें अम्बेडकर विचार मंच की ओर से छोटा सा भेंट देने का काम किया। मैडम और बीच में आइए, बीच में हेलो।
उखाड़ 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 फटाफट उखाड़ दे बेटा उखाड़ उखाड़ बस ऐसा उखाड़ उठा उठा दे मैडम कहीं जरा मुझे इधर इधर है आप ही खड़ा रहिए देश को आजाद कराने में सत्य और अहिंसा का देश और विदेश में संदेश पहुंचाने वाले वो व्यक्ति हैं जिनको भारत में ही नहीं पूरे विश्व में पूजा जाता है और हम लोग जितना पूजे वो कम है। हम चाहेंगे गांधी जयंती के इस अवसर पर हम लोग यहाँ से कोई संकल्प लेकर चले कि जो अनाथ ना होकर के भी अनाथों जैसा जिंदगी जी रहा हमारे बंदी समाज गरीब के बच्चे जो पढ़ने लिखने में सक्षम है हम उनको अम्बेडकर विचार मंच के आंगन में शिक्षा देकर उसे जागरूक करें। पार्टी वाले भले कर रहे होंगे जैसे हमारे कांग्रेस वाले बताए कम जगह ही बापू को याद किया जाए चाहे कारण जो भी हो इसके लिए हम बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं अम्बेडकर विचार मंच को और उसके जो हमारे अधिकारी और हमारे सहयोगी दल है। अब जो नई जनरेशन है नया जनरेशन है तो गांधी जी के विचारों और उनके जीवन शैली को भूलते जा रहे। गांधी जी एक लाठी एक धोती के बदौलत कारागार से लेके जितने भी आंदोलन किए वो वही उसी निवास में किए और उनके जो व्यक्तित्व की कहीं कहीं चर्चा सुनते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन जो अंग्रेज थे वो मीटिंग में कभी नजर मिलाने का दुस्साहस नहीं करते उनके नजर में इतनी शक्ति थी इतने ऊर्जा था और हमारे गुरुवर गांधी जी